हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो है आर्क वेल्डिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आर्क वेल्डिंग क्या होता है, क्या कंस्ट्रक्शन होता है आर्क वेल्डिंग का, क्या वर्किंग होती है और क्या एप्लीकेशन है आर्क वेल्डिंग की। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के ऊपर, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे देख लेते हैं ये आर्क वेल्डिंग क्या होता है। ठीक है, अब आर्क क्या होता है, आर्क को हम कह सकते हैं चिंगारी। ठीक है, अब आर्क वेल्डिंग क्यों है इसका नाम, देखिए अभी जो मैंने बता चुका हूँ मैं पहले भी कि जो वेल्डिंग है, ठीक है, अब वेल्डिंग को करने के लिए हमको हीट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हीट के बिना जो है वेल्डिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हीट इज़ कंपलसरी, हीट इज़ मैंडेटरी। तो हीट कहाँ से आती है, अब जैसे देखिए अगर दो मेरे पास दो टर्मिनल्स हैं, ठीक है, एक है पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है और अगर दोनों को हम लोग टच कराते हैं तो एक आर्क प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वही उसी प्रिंसिपल के ऊपर जो है हमारा काम करता है आर्क वेल्डिंग। ठीक है, ये तो हो गया प्रिंसिपल। अब देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एसी और डीसी पावर सोर्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऊपर आर्क वेल्डिंग मशीन। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, जो हमारा हमको पावर तो चाहिए ही, अब आर्क प्रोड्यूस करनी है तो हमको पावर तो चाहिए ही, तो एसी या डीसी पावर हम यूज़ कर सकते हैं। हम जो है उसकी जो वैल्यू है उसको बड़ा भी और कम भी कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स। ओके, उसके बाद जो हमारा एक टर्मिनल है इस पावर सोर्स से कनेक्टेड होगा इलेक्ट्रोड होल्डर में, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोड केबल के थ्रू जो है इलेक्ट्रोड होल्डर पे जो है हमारा एक टर्मिनल जो कनेक्टेड होगा इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोड होल्डर में क्या होगा, इलेक्ट्रोड होल्डर में होगा हमारा यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड होल्डर में होगा इलेक्ट्रोड, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलर मेटल। अब ये जो फिलर मेटल है वो क्या है, वो कभी यूज़ होता भी है और नहीं भी होता है। अब किस वेल्डिंग प्रोसेस में यूज़ होता है, किस में नहीं होता है, उसके लिए आपको मेरे चैनल पे बने रहना पड़ेगा क्योंकि अगली वीडियो उसी के ऊपर आने वाली है। तो दो टाइप के जो है इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कंज्यूमेबल और एक होता है नॉन कंज्यूमेबल। ठीक है, तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में फिलर मेटल नहीं यूज़ किया जाता और नॉन कंज्यूमेबल में फिलर मेटल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आपको दिख रहा होगा ये है हमारा वर्क पीस। ठीक है, अभी वर्क पीस है ये। अब यहाँ से जो दूसरा टर्मिनल है हमारा पावर सोर्स है, वो दूसरा टर्मिनल कनेक्टेड है किससे, पावर मतलब वर्क से कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या होगा, मान लीजिए ये है प्लस और ये है माइनस, तो जब दोनों जब कॉन्टैक्ट में आएंगे तो क्या होगा, आर्क प्रोड्यूस होगी। आर्क प्रोड्यूस होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है चालू हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, इसके कारण हीट प्रोड्यूस होगी और हीट प्रोड्यूस होने के कारण जो है हमारा मेटल जो है मेल्ट होना स्टार्ट होगा और फिर हम फिलर मेटल या बिना फिलर मेटल के भी जो है हम वेल्डिंग को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, मतलब जो हमारी वेल्डिंग है वो यहाँ से लेकिन यहाँ तक मूव कर रही है और फिर ये हो चुका है हमारा सॉलिडिफाइड वेल्ड। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है क्लैंप जो कि कनेक्ट करके रखता है हमारे वर्कपीस को पावर सोर्स से। ठीक है, तो ये है कंस्ट्रक्शन आर्क वेल्डिंग का। अब आर्क वेल्डिंग कैसे काम करती है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब आर्क वेल्डिंग कैसे काम करती है कि जो हमारा एनोड है, मतलब जो पॉजिटिव पोल है और जो नेगेटिव पोल है, जब हम इन दोनों पोल्स को जब एक साथ जो है हम इसको टकराएंगे या हम इनको कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो क्या होगा कि है आर्क जो है वो प्रोड्यूस होगी। आर्क के प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ से, एनोड टू कैथोड, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है हमारे आयन्स जो है फ्लो करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके कारण क्या होगा, हमारी हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस होने से जो हमारा मेटल है वो क्या होगा, वो हमारा मेटल जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारे इस मेटल के जो मेल्टिंग से क्या होगा कि हम फिलर मेटल या विदाउट यूज़ ऑफ फिलर मेटल जो है हम वेल्डिंग को परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और चीज़ आती है, वो आती है पोलैरिटी। अब ये पोलैरिटी क्या होता है, पोलैरिटी मतलब क्या है कि ऐसा कौन मेथड है, जैसे मान लीजिए एक बार मैंने इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव कर दिया और इसको नेगेटिव, फिर अगली बार मैंने क्या किया, इसको इलेक्ट्रोड को नेगेटिव और हमारे वर्क को पॉजिटिव,
तो ये अलग अलग जो है पोलैरिटी होती है, मतलब एक होती है रिवर्स पोलैरिटी होती है और एक होती है स्ट्रेट पोलैरिटी, ठीक है। अब रिवर्स और स्ट्रेट में होता क्या है, दोनों के अपने अलग अलग एप्लीकेशन है, दोनों अपनी जगह अलग अलग यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कहाँ पे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि स्ट्रेट पोलैरिटी क्या होता है। अब स्ट्रेट पोलैरिटी मतलब क्या कि जो हमारा वर्क पीस है, ठीक है, याद रखिएगा मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेट पोलैरिटी। स्ट्रेट पोलैरिटी में जो हमारा वर्क पीस है वो होगा पॉजिटिव और जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा वो होगा नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो कहाँ पर होगा, वो कैसे होगा, वो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। तो स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होगा, जो हमारा करंट है वो क्या होगा कि डिवाइड हो जाएगा 66% और 33% में, ठीक है। तो जिधर भी जो है पॉजिटिव रहेगा वहाँ पे जो है ज़्यादा करंट जो है फ्लो होगा। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं कि स्ट्रेट पोलैरिटी के अंदर जो है यहाँ पे जो करंट होगा वो 66% होगा, मतलब वर्क पे जो करंट है वो 66% होगा और जो इलेक्ट्रोड है वहाँ पे जो करंट है वो 33% होगा। तो इसके कारण क्या होगा कि हमारा जो मेटल है, जो बेस मेटल है, वो ज़्यादा जल्दी से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रेट पोलैरिटी है वो हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारा जो मेटल है, जो हमारा वर्क पीस है, वो बहुत ज़्यादा थिक है, ठीक है। तो वो ज़्यादा थिक होगा तो उसके कारण क्या होगा, हमको जल्दी से जल्दी जो है मेटल को मेल्ट करना होगा ज़्यादा स्पीड में, तो उसके लिए हम स्ट्रेट पोलैरिटी यूज़ करते हैं। अब रिवर्स पोलैरिटी में क्या होगा, रिवर्स पोलैरिटी में हमारा जो वर्क पीस है वो हो जाएगा नेगेटिव और जो इलेक्ट्रोड है वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो उसके कारण क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड में जो है हीट वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेगी, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट कंस्ट्रक्शन वर्किंग डायग्राम के साथ में, और पोलैरिटी भी मैंने आपको बता दी इस वीडियो में। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।